Hi guys, myself Gaurav and welcome back to my YouTube channel Devil Brothers. So I hope you all are fine. So guys, कैसे हैं आप लोग जरूर बताना comment section पे. चलो अभी हम जा रहे हैं एक evening cycle ride के लिए हम जा रहे हैं और basically ये video हमारे यहाँ पे काली पूजा कैसे celebrate किया जाता है इसके ऊपर है. तो आप मेरे left में देख सकते हो यहाँ पे पंडाल बना हुआ है. तो basically ये पंडाल बहुत दिन पहले आपने दुर्गा पूजा में भी देख लिया होगा, मगर अभी जो ये वाला पंडाल ये हमारे कॉलोनी में बनाया गया है. तो हमारे यहाँ पे काली पूजा बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है. तो बोलने जाने को कल काली पूजा था और मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली और बस ऐसे ही आपके दिन और आपका ये साल भी अच्छा जाए, मैं बस यही दुआ करता हूँ. तो अभी चलते हैं और भी आगे और देखते हैं आज कहाँ पे कैसा सेलिब्रेशन किया जा रहा है और रात को कैसा दिखेगा पूरा पंडाल. तो चलो अभी देखते हैं क्या क्या देखने मिलता है या नहीं मिलता है. बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा नाइट का सिनेमैटिक शो दिखाऊंगा आपको. चलो अभी चलते हैं और बहुत कुछ बातें जो आप लोगों के साथ करना भी है, तो चलते रहते हैं. चलो गाइस, अभी हम DRM के पीछे वाले साइड पे आ चुके हैं. DRM का पीछे एक गली है, उससे थोड़ा और अंदर आए हैं. तो आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हो बहुत ही मस्त पंडाल बना हुआ है. आप लोग हम दिखाते हैं, सामने जाके दिखाऊंगा, पहले आप दूर से देख लो कैसा बना है नहीं बना है. तो अभी चलते हैं सामने, आपको दिखाता हूँ कि कैसा बना है नहीं बना है. देख तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको सजाया गया है, आपको जूम करके दिखाते हैं. आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पंडाल बना है. तो अभी चलते हैं यहाँ से दूसरे पंडाल की तरफ और यहाँ और बाकी पंडाल्स का जो सिनेमेटिक वीडियो है वो आपको रात को दिखाते हैं. तो चलो चलते हैं. सो गाइस, अभी हम हॉस्पिटल के सामने आ चुके हैं. तो अभी हॉस्पिटल के मोड़ के यहाँ पे घुस चुके हैं अभी अंदर. आप देखना इधर भी अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हो राइट पे नागरदल्ला ये सब कुछ आया हुआ है, ये बच्चों लोगों के लिए. तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो पंडाल बना है वो कैसा है. आप देख ही सकते हो क्या ही पंडाल बना रखा है, मस्त है. चलो आपको अंदर से दिखाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो काली पूजा बहुत ही मस्त किया गया है, चारों तरफ ही शिवलिंग है और भाई क्या ही मस्त सजा रखा है यार. सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट के साइड. तो इंस्टीट्यूट के साइड कैसा सजाया है या क्या पंडाल बनाया है, चलो देखते हैं. सो गाइस, आप लाइटिंग देख सकते हो क्या मस्त लाइटिंग किया गया है. अब अभी चलते हैं और भी आगे और जो पंडाल बना हुआ है वो तो मस्त बना हुआ है, आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगने वाला है. तो फिलहाल अभी चलते हैं. फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और आप पंडाल देख ही सकते हो बहुत ही मस्त बना है यार, बहुत ही मस्त. आपको अंदर जाके दिखाते हैं कैसा बना है नहीं बना है. सो गाइस, आप एंट्री गेट भी देख सकते हो, आप इधर देख भी सकते हो बहुत बढ़िया बना हुआ है भाई, देखने लायक है यार. देख सकते हो चारों तरफ बहुत ही मस्त बना है, पूरा ही देख लो यार, चारों तरफ भी बहुत बढ़िया है. यहाँ पे छोटा सा फवारा बना है और अंदर देख सकते हो अंदर काली माँ है भाई, बहुत ही बेहतरीन है यार, मस्त बना है यहाँ का. तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से. तो वैसे अभी हम शिवबरी पहुँच चुके हैं. तो यहाँ का भी आपको पंडाल दिखाते हैं, आप डेकोरेशन देख ही सकते हो. साइकिल राइड करते हो तो बहुत मज़ा आता ही है और ऊपर से ऐसे फेस्टिवल पे राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है. तो गाइस, आप देख सकते हो मेरे राइड पे, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पंडाल बना है. गाइस क्या ही बताऊँ यार, बहुत ही अच्छा लगता है जब काली माँ हमारे यहाँ पे आती हैं, हमारे यहाँ पे उनका पूजा किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है. तो कैसा लगा आप लोग को ये पंडाल जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे. और तो चलो अभी दूसरे पंडाल की तरफ चलते हैं और आपको और भी बहुत कुछ दिखाना है, तो चलो चलते रहते हैं. सुबह से आप लाइटिंग को देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लाइटिंग हो रखा है. और अभी हम शिव मंदिर के सामने हैं. तो जय शंकर जय महाराज. तो अब लाइटिंग देख ही सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा लाइटिंग किया गया है. सो गाइस, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो गाइस क्या ही बना है यार भाई, बेहतरीन यार, बहुत ही मस्त यार. पता नहीं ये गाने पे कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ. तो आप लोगों को कैसा लगा ये पंडाल जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन पे. गाइस राइड करते हुए बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है, तो चलो निकलते हैं यहाँ से. सो गाइस, हमारे यहाँ पे दीपावली क्यों मनाया जाता है हमारे इंडिया में, और किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ. हमारे यहाँ पे दीपावली इसलिए मनाया जाता है बिकॉज जब राम जी
वनवास के लिए बाहर गए हुए थे। अयोध्या से बाहर जंगलों की तरफ वो उनका वनवास हुआ था, तो वहाँ पे गए थे। उनको 14 वर्ष की वनवास हुई थी। वो बहुत दिनों बाद अयोध्या वापस आए थे, जिसके खुशी में सभी ने चारों तरफ प्रदीप जलाए थे, मतलब दिए जलाए थे। और उसी के वजह से और उसी दिन से हमारे इंडिया पे दीपावली मनाया जाता है। सो गाइस, आप देख सकते हो चारों तरफ लाइट, पूरा ही लाइट लाइट, मतलब क्या ही बता सकते हो यार। दिवाली जो फेस्टिवल है ना भाई, चारों तरफ लाइट लाता है, मगर गाइस दिखने में इतना खूबसूरत लगता है ना। चारों तरफ आप देख सकते हो यार, चारों तरफ ही लाइट लाइट है। अब इधर देख सकते हो, वो आप साइड में देख सकते हो, पूरा ही लाइट है। और इधर में भी लाइट है, यहाँ पे स्टार्स वाले लाइट हैं चारों तरफ। तो चलो अभी चल रहे हैं हम लोग चाय पीने के लिए, तो चलो अभी चलते हैं। आप लोग सिनेमैटिक वीडियो देखो और एंजॉय करो। तो चलो मिलता हूँ सिनेमैटिक वीडियो के साथ। तो गाइस फाइनली हमने चाय पी ली अभी, और अग्नि भी मेरे साथ है वहाँ पे, अभी मेरे को लाइट से थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। तो अभी चलेंगे यहाँ से, थोड़ा और भी कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, फिर यहाँ से निकलेंगे घर के साइड। तो चलो चलते हैं अभी। सो गाइस आप देख सकते हो चारों तरफ ही लाइट ही लाइट, भाई क्या ही मजे लग रहे यार, बहुत ही मजे लग रहे हैं भाई। आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज पूरा एकदम साइड व्यू देख सकते हो यार, क्या ही मजा है यार, लाइट्स वगैरह ये सब देख सकते हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग को भी अगर ये फेस्टिवल अच्छा लगता है तो कमेंट करो यार, बताओ कि आप लोग के वहाँ पे कैसा सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और जो बात मुझे आप लोगों के साथ करना है, तो मैं वो फ्रंट कैमरे पे मैं बोलूँगा, आपको सब कुछ बताऊँगा क्यों हमें ये फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और क्या क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आपको अंदर का व्यू अभी दिखाना बाकी है, तो चलो आपको ये भी दिखा देते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो DRM पे, DRM के मार्ट पे आप देख सकते हो, क्या ही भाई, पूरे चारों तरफ ही भाई कैंडल ही कैंडल है, कैंडल लगाया हुआ पूरे चारों तरफ। और भाई क्या ही मस्त लुक आ रहा है यार। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो ड्रोन शॉट भी आपको दिखाता, मगर कोई बात नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, चलो चलते हैं। सो गाइस आप DRM बिल्डिंग देख सकते हो यार, क्या ही मस्त सजाया हुआ है। तो देख सकते हो यार, बहुत ही मस्त सजाया है भाई, क्या ही बताऊँ यार। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। और बाय द वे यार, मुझे ये फेस्टिवल बहुत पसंद है, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस आप देख सकते हो चारों तरफ भाई, क्या ही फॉग, अचानक से फॉग पूरा एकदम गिर चुका है। गाइस इधर देख सकते हो यार, बहुत ही अच्छा व्यू है भाई, चारों तरफ लाइट ही लाइट यार, इतना अच्छा लगता है ना ये फेस्टिवल मुझे। तो अभी घर चलते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, पूरा पंडाल वगैरह सब बना हुआ है देख लो, और बाकी भाई बहुत ही मस्त है, बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है भाई। अग्नि बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? तो अभी बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है पता नहीं क्यों, और अभी सभी मुझे देख रहे हैं, हैरान, अभी मुझे सभी ऐसे देख रहे लग रहा है कि ऐसा क्या आ गया मेरे सामने। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ही मस्त लाइटिंग किया गया है। तो अभी हम चल रहे हैं घर के साइड, तो घर पहुँच जाता हूँ फिर बात करते हैं, तो चलो चलते हैं। सो गाइस मैं जो बोल रहा था कि हाँ ये सब फॉग है, तो मेरा ये गलती था, बिकॉज ये फॉग नहीं है,
ये पोल्यूशन है। तो अभी हम जितना क्रैकर्स वगैरह ये सब जो भी ब्लास्ट कर रहे हैं, फटा रहे हैं, तो उसी का ये साइड इफेक्ट है। और आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि भाई कि क्या ही बताऊँ यार, ये सब करना ठीक नहीं है गाइस, ये सब करना एकदम ही ठीक नहीं है, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और इसके रिलेटेड मैं अभी बात करूँगा, तो चलो अभी घर पहुँच जाते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ, चलो। तो गाइस मुझे ये घर बहुत ही अच्छा लगा, डेकोरेट किया इन्होंने, सिंपल में है मगर बहुत अट्रैक्टिव है यार, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो अभी बस घर पहुँचने वाला है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है और ये पोल्यूशन की वजह से और भी ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो चारों तरफ कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो मिलते हैं घर पे। सो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं अभी, और ये दूसरा दिन है, और दूसरा दिन भी नहीं बोलेंगे, ये बहुत दिनों बाद में शूट कर रहा हूँ। उस दिन के शूट के बाद मैं बीमार पड़ गया था, और पूजा था, हमारा छठ पूजा होता है, तो वो भी था, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, और बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो बात मुझे आपसे करना था वो बात ये है कि गाइस आप लोग फेस्टिवल को इन्जॉय करो, मैं मना नहीं करूँगा, मगर थोड़ा सावधानी से इन्जॉय करना चाहिए, बिकॉज आप क्रैकर्स वगैरह सब फटाते हो या ब्लास्ट करते हो, तो अभी ये क्रैकर्स बहुत ज़्यादा ख़राब निकलते हैं, मुझे मैंने खुद ब्लास्ट किया है और फटाया, तो मुझे पता है। तो थोड़ा सावधानी से क्रैकर्स वगैरह सब ब्लास्ट किया करो और फटाया करो। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आप क्रैकर्स वगैरह से ब्लास्ट कर रहे हो तो कहीं खुले मैदान पे करो, किसी एनिमल के ऊपर मत फेंकना क्रैकर्स, बिकॉज इनसे उनको इंजरी हो सकता है, और बहुत सारा इंजरी हुआ भी है, मैंने देखा है, और ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो मैं उन्हें यही बोलना चाहता हूँ कि गाइस ऐसा मत किया करो, बिकॉज उनका भी एक लाइफ है, तो उन्हें ऐसे परेशान मत किया करो, उन्हें शांति से रहने दो, और अपना एक ओपन प्लेस में जाके आप लोग क्रैकर्स वगैरह ये सब ब्लास्ट करो और इन्जॉय करो, बस यही आपसे बोलना था। और जितना हो पाए कैंडल्स वगैरह और क्रैकर्स ये सब गरीब लोगों को दो, और उन्हें कैंडल्स भी दो, और उन्हें बोलो कि वो कैंडल्स को लाइट करने के लिए, तो अगला दिवाली बहुत अच्छा होने वाला है। ये दिवाली मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं ये सब काम कर नहीं पाया, तो मैं अगले दिवाली में बहुत कुछ करने वाला हूँ। और मैं आप लोग से भी यही करूँगा कि आप लोग भी ऐसा काम किया करो, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती है, मैंने ये सुना है, अगर आप खुशी बांटोगे तभी आप खुश दिखोगे। तो सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताना, और सिनेमैटिक वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। तो थैंक यू अग्नि, जो तुमने मुझे हेल्प किया इतना अच्छा अच्छा सिनेमैटिक वीडियो लेने के लिए। और बस आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी ए सनराइडर नॉट ए ड्रगिस्ट, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। और हाँ, मेरे तरफ से सबको हैप्पी दिवाली, बस ऐसे ही आपका दिन अच्छा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।